राजधानी जयपुर के चोमो हाउस सर्किल पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आज एक विशेष प्रायोजन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अक्सर आपने जनता दरबार को राजनीतिक और खेल और अदर चीज़ों की कवरेज करते हुए देखा होगा, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, जनता दरबार सामाजिक सरोकार और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने की भी खबरें लगातार करता आ रहा है। तो राजस्थान के आर्ट और कल्चर और जयपुर के कई ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरी राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की कला को बढ़ाने का काम करते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस पूरी रोड पे करीब 156 ऐसे पॉट्स रखे हुए हैं और उन पे आज पहली बार हम देख रहे हैं। अक्सर इन पॉट्स के आसपास आपको गंदगी, कूड़ा, करकट आपको दिखाई देता होगा, लेकिन आज ये सजे धजे पॉट्स हैं। मेरे कैमरामैन को बोलूँगा एक बार इस पॉट को दिखाए। इस पे वंदे मातरम कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। बेसिकली ये एक पोस्टल स्टैम्प है। ऐसे स्टैम्प आपने पूर्व में भी देखे होंगे। आप देख सकते हैं 25 का अंक उसमें लिखा हुआ है, भारत इंडिया लिखा हुआ है, वंदे मातरम की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। ऐसे ही आगे परमवीर चक्र का एक पोस्टल स्टैम्प है। थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो मदर टेरेसे का दिख रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कला विकलांग वर्ष का आपको ये पोस्टल स्टैम्प दिख रहा है। अब और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो इन पॉट्स को रंगने वाले, अपनी कला से इन पॉट्स पे नए रंग उकेरने वाले ये कलाकार भी यहाँ पर बैठे हैं। देख सकते हैं एक और ये स्टैम्प है जिसपे टेलीफोन बना हुआ है पुराने तरीके का, और इस तरफ अगर हम आएंगे तो इसमें 1982 100 ईयर ऑफ टेलीफोन सर्विसेज के ऊपर ये स्पॉट को रंग रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 156, जैसे कि हमने आपको बताया, इन्हीं कलाकारों से हमें पता पड़ा है 156 ये पॉट्स हैं, और इस पर ये अलग अलग जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी हम कह सकते हैं एशियाई खेलों की बात हो, टेलीफोन की हिस्ट्री की बात हो, सामाजिक सरोकारों की बात हो, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों को श्रद्धांजलि देने के हिसाब से जो पोस्टल स्टैम्प भारत सरकार ने बनाए हैं, उन पोस्टल स्टैम्प को ये इन पॉट्स पर ये रंग है। इनसे थोड़ा हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये जो पोस्टल स्टैम्प जो आप बना रहे हैं, इसके पीछे का माइंड फ्रेम क्या है, क्या सोच के आपके बना रहे हैं? बेसिकली ये थीम जो है बेस्ड ऑन इंडिया माइलस्टोन्स, सो बेसिकली हमारा ये मोटिव है कि जितने भी इंडिया की क्रिएशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें। एंड वन मोटिव इज़ कि यहाँ पे जो आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें थोड़ी अवेयरनेस आए कि हाउ टू क्लीन आवर सिटी, एंड ऑल्सो इफ़ अ किड इज़ पासिंग थ्रू अ वे, सो उसे थोड़ा एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें कि येस, दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ आर कंट्री। एंड यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स भी आते हैं, सो दे जस्ट लर्न अबाउट दैट वी आर अवेयर हाउ टू क्लीन आवर सिटी। एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे जयपुर के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है, और उस स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दोनों ही नगर निगम, भले वो हेरिटेज हो या ग्रेटर हो, जयपुर की जो भी सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं बेसिकली, जो एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ रहे हैं, या इसको सीधे शब्दों में कहें जयपुर की जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको रंगने का काम अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग एन जी ओज को दिया है, ताकि उन एन जी ओज के तहत, उन संस्थाओं के तहत जो आर्टिसंस हैं, वो ये उसी के तहत आ रहे हैं। बेसिकली येस, हम लोग उनसे मिल के कोशिश कर रहे हैं, कोलाब करके, कि हम उनके हेल्प कर सकें और हमारी जो कंट्री फाउंडेशन है वो हमें आर्टिस्ट के थ्रू कनेक्ट करके, या फिर लोकल जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू कनेक्ट करके इसमें थोड़ा सा हमारे इनपुट्स डालने के कोशिश। आर्टिस्ट की बात करें तो अक्सर हमने देखा है आर्टिस्ट बड़े बड़े कैनवास भी पेंट करते हैं, या कई एसी कमरे होते हैं उनमें पेंट करते हैं, लेकिन इस धूप में सड़क पे इन पॉट्स को आप पेंट कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिलती है? मतलब कुल मिला के ये थॉट कैसे आता है कि हम कमरों से बाहर निकल के सड़क पे हम अपनी कला को करें, इसके पीछे क्या सोच? बेसिकली सोच यही है कि हम एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, सो हमारे एज अ यूथ हमारा एक इनपुट या फिर कोई एक डिवोशन जो है कि हाँ, हम एक कम्युनिटी के थ्रू एक सर्विस प्रोवाइड करें, सो यस, ये हमें एक मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
हाउ टू वर्क, हाउ टू जस्ट बिल्ड अ टीम और टीम वर्क कैसे करते हैं. तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी साथ में मिल रही है और साथ में एक हम कम्युनिटी को एक सर्विस भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं. माई नेम इज़ मनप्रीत. मनप्रीत कौर हैं, कंट्री संस्था से ये हैं और नगर निगम के तहत जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है उसी के तहत ये जयपुर की अलग अलग दीवारों को, जयपुर के ऐसी जगहों को ये पेंट कर रहे हैं. और ये कोई ऐसा वैसा हम कह सकते हैं कि कला नहीं बना रहे जो बहुत रैंडम हो. जैसे कि मनप्रीत जी ने भी अभी बताया कि भारत के इतिहास में जो जो भी घटनाएँ हुई हैं या ऐसी इतिहास की वो घटनाएँ जिनमें भारत परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है और उस समय भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जो पोस्टल स्टैम्प निकाले गए थे वो तमाम पोस्टल स्टैम्प्स इन पॉट्स पे ये लोग उकेर रहे हैं. और जाहिर सी बात है इधर आसपास जो भी लोग रहते हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी भी इसमें बढ़ेगी कि क्या क्या हमारे भारतीय इतिहास में हुआ है. और जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारत के इतिहास से अनभिज्ञ हैं, इन पेंटिंग्स के जरिए उन्हें भी भारत के इतिहास की, भारत की संस्कृति की थोड़ी जानकारी मिल सकेगी. कुछ और भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं जो एक आर्टवर्क ये बना रहे हैं. एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आप आर्टवर्क बना रहे हैं तो जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मनप्रीत मैम से हम बात करते आए थे तो आप ये वॉलंटियर कर रहे हैं. कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज में आप? जैसे अभी हमने आर्टिस्ट को ड्राइंग तो अक्सर हमने देखा है कॉलेज में, स्कूल में या अपने स्कूल में ए सी कमरा होता है, आपके पास एक बड़ा सा मैं दिमाग कहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं, सड़क पे फुटपाथ पे ड्रॉ करते हैं. मेरा तो ऐसा मानना है, मतलब जो जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो ऐसा ये नहीं है कि मैं इसको परस्यू कर रही हूँ. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे तो परस्यू नहीं करना है. कहीं पर भी जाओ, मतलब अगर मन से कर रहे हो तो वो कला में हो जाएगी. तो बस वही है मेरा, तो घर पे करवा लो, कहीं और करवा लो. तो आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बताते हो कि मेरे पता है एक अच्छी चीज़ के लिए है और ब्रश जहाँ भी चलता है आपको अच्छी तरह से क्या ही दिक्कत है. क्या नाम है आपका? उन्नति. आपका क्या नाम है? क्या ड्रॉ कर रहे हो आप, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? हम एक्चुअली इंडियन माइलस्टोन्स की थीम पे पोस्ट स्टैम्प्स ड्रॉ कर रहे हैं. जैसे जैसे जो जो चीज़ें हुई हैं सब चीज़ों को दर्शा रहे हैं. हमारा मोटिव एक तरह से हमारे जयपुर को साफ रखना है. हमारा जयपुर जितना अच्छा सुंदर दिखेगा उतना ज़्यादा साफ रहेगा. क्या नाम है? लावांगी. आपने देखा ये जो आर्टिस्ट हैं इनका इस आर्ट को बनाने का एक ही सोलो मोटिव है कि जो हमारा जयपुर है स्वच्छ रहे, साफ रहे और भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है जिसे ये यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, पोस्टल स्टैम्प्स को ये उकेर रहे हैं पॉट्स के ऊपर ताकि हर कोई यहाँ से आने जाने वाला जो पहले यहाँ पर शायद रुकता नहीं था गंदगी की वजह से या कि यहाँ पर रुक के वो क्या ही करेगा, लेकिन अब जब भी कोई यहाँ से निकलेगा तो एक बार ज़रूर ठहर के वो देखेगा कि ये क्या ड्रॉ हुआ है और वो देखेगा, वो ये समझना चाहेगा कि भारत के कौन से इतिहास को ये पोस्टल स्टैम्प दर्शा रहे हैं. तो जाहिर सी बात है इतिहास की जानकारी तो दे चुकी है, देख सकते हैं. जैसा कि हमने बोला भी था कि सर जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो ऐसी कमरों में बड़े बड़े कैनवास पे अपने आर्ट को बनाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सड़क पर जैसे तैसे किसी भी तरीके से धूप से बचने के लिए अपनी एक अलग एक व्यवस्था करके ये लोग इस आर्ट को यहाँ पर उकेरने का काम कर रहे हैं. और मकसद इनका यही है कि जयपुर साफ रहे, स्वच्छ रहे, जयपुर के जो भी ऐसे एरिया हैं, जयपुर की ऐसी जो भी दीवारें हैं, जो जयपुर के एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग बाग
आते हैं, जहाँ से लोग बाग गुजरते हैं, टूरिस्ट जहाँ से गुजरते हैं, उन्हें जयपुर की कला और संस्कृति के बारे में पता पड़े और इसी को दर्शाने का काम ये बच्चे हैं जो सब कर रहे हैं। उनकी संस्था जिसका इन्होंने नाम लिया उसके तहत ये कर रहे हैं, वॉलेंट्री भी करते हैं। और जाहिर सी बात है नगर निगम, जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज का जयपुर को साफ स्वच्छ बनाने का जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रिम आने के जो प्रयास दोनों ही निगमों के चल रहे हैं, उसी के तहत ये कलाएं आज आपको दिख रही हैं। ऐसी जगह जहां पर अक्सर हम रुकना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।